जय श्री राधा कृष्ण आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत, बहुत स्वागत है आइए सुनते हैं आज मंगलवार के दिन हनुमान जी की कथा मंगलवार के दिन हनुमान जी का पूजन किया जाता है हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। पवन पुत्र हनुमान भगवान श्री राम के परम भक्त हैं है। और बुद्धि विद्या बल के दाता है जो भी इनका पूजन करते हैं उन्हें बुद्धि विद्या और बल की प्राप्ति होती है और हनुमान जी अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी को लाल रंग का पुष्प चढ़ाए उन्हें सिंदूर चढ़ाए हनुमान जी को धूप और दीप दिखाए विशेष करके हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाए हनुमान चालीसा सुंदरकांड बजरंग बाण आदि का पाठ करें तो यह विशेष लाभकारी होगा तो आइए सुनते हैं आज मंगलवार व्रत की कथा तो बोलिए प्रेम से हनुमान जी महाराज की जय की जय प्राचीन समय की बात है कि, कि किसी नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे उन ब्राह्मण के यहाँ उनकी कोई संतान ना थी इस कारण से वह ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत दुखी रहते थे और हर मंगलवार ब्राह्मण वन में जाकर के हनुमान जी की पूजा और अर्चना किया करता था मंगलवार का व्रत किया करता था वह पूजा करके बजरंग बली से एक पुत्र की कामना किया करता था उसकी पत्नी भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत किया करती थी वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करते थे एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ना तो भोजन बना पाई और न ही हनुमान जी को भोग लगा पाई। तब ब्राह्मणी ने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करेगी और फिर वह भूखी प्यासी छह दिनों तक पड़ी रही और मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गयी हनुमान जी उसकी श्रद्धा और भक्ति को देखकर अति प्रसन्न हुए उन्होंने प्रकट होकर आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा किया करेगा बालक को पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हो गई। वह खुश हो गई। उसने बालक का नाम मंगला रखा कुछ समय पश्चात जब वह ब्राह्मण अपने घर आया तो बालक को देख पूछा की वह कौन है पत्नी बोली कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है यह सुनकर ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ एक दिन मौका पाकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में जाकर गिरा दिया घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है तभी पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ गया और उसे वापस देखकर ब्राह्मण चौक गया उसी रात को बजरंग बली ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उन्होंने ही इसे दिया है यह सब सच जानकर ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ जिसके बाद से वह ब्राह्मण दंपति नियमित रूप से मंगलवार का व्रत रखने लगे मंगलवार का व्रत रखने वाले मनुष्य पर हनुमान जी की अपार कृपा होती है जो भी इसी प्रकार से मंगलवार का व्रत करते हैं मंगलवार के दिन हनुमान जी का पूजन करते हैं कथा श्रवण करते हैं हनुमान जी की कृपा से उनके सभी कार्यों की सिद्धि होती है हनुमान जी सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करते हैं तो बोलिए प्रेम से हनुमान जी महाराज की जय राम भक्त हनुमान की जय इसी प्रकार से जो भी भक्त जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ हनुमान जी का पूजन करते हैं या कथा श्रवण करते हैं हनुमान जी अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो ऐसे ही ज्ञान वर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें साथ में आइकन घंटी दबाए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे जय श्री राधे कृष्ण धन्यवाद आप सभी भक्तों के ऊपर हनुमान जी का कृपा सदैव बना रहे सभी सदा स्वस्थ रहे और सदा खुशहाल रहे